हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लाइन रे और लाइन सेगमेंट के बारे में। बेसिकली क्लास फिफ्थ के लिए चैप्टर है, ठीक। और इसमें हम ज्योमेट्री की बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ज्योमेट्री का बेसिक, कुछ कॉन्सेप्ट उसके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा जो हम लोग आज जानेंगे वो है रे, ये रे क्या होती है। और तीसरा जो हो जाएगा वो है लाइन सेगमेंट, लाइन तो लाइन सेगमेंट के बारे में, इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो वन बाय वन इनको कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए पहले हम लोग लेंगे लाइन, लाइन क्या होती है, ठीक है। तो लाइन दोस्तों, इसको सबसे पहले देखते हैं कि डिनोट कैसे करा जाता है, ठीक। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक। तो जो पहली प्रॉपर्टी ये, इसको जो डिनोट करा जाता है, कुछ मान लीजिए हमने कुछ इस तरह से हमें लाइन खींच दी, ठीक। और लाइन के क्या होता है, बिल्कुल पहली बात तो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ अभी, ठीक। तो कुछ इस तरह से होती है, उसके दोनों तरफ एरो होते हैं। इन एरो का मीन ये होता है कि जो लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, मतलब अभी रुकी नहीं है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक। तो एक चीज़ हमें ये पता चलती है इससे कि जो लाइन होता है उस लाइन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ रहती है, ठीक। तो पहला क्या हो गया पॉइंट इसका, कि इट एक्सटेंड इन बोथ साइड, इट एक्सटेंड इन बोथ साइड, ठीक। ये दोनों साइड में क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या हो गई, लाइन हैज नो डेफिनाइट लेंथ, ठीक। कोई भी एक फिक्स लेंथ नहीं होती है, तो लिख देंगे इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ठीक। इसी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ये बढ़ रही है, इस मारे ये क्या होता है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इट हैज नो एंड पॉइंट, ठीक। अब देखिए दोस्तों, दोनों डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका कोई एंड पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि हर बारी बढ़ दी जाएगी। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है, जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अब चौथी चीज़ आते हैं दोस्तों, कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम एक डॉट बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम ए लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, ठीक। तो अगर मान लीजिए, अगर हमें ए और ए बी लाइन को डिनोट करना है, तो हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, हम ए लिखेंगे, बी, ठीक, जो कि लाइन का नाम है, और इसके ऊपर एक दोनों तरफ एरो बना लेंगे जो दोनों तरफ एक्सटेंड करे, ठीक। इससे हमें पता चलेगा जो ए बी लाइन है वो क्या है, वो एक लाइन है और दोनों तरफ वो एक्सटेंड कर रही है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें हुई लाइन के बारे में, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आगे काम आएंगे। चलिए अब हम जानेंगे रे के बारे में। तो रे क्या होती है, सेकेंड पॉइंट हमारा रे के बारे में, ठीक। तो रे क्या होती है, तो रे देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि रे का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। तो मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी सीधी, ठीक, अरे लाइन ही नहीं बनती उससे, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक।
तो ये क्या होगा, इसकी एक तरफ साइड में एरो होगा और एक तरफ डॉट बनेगा। इस डॉट से हमें ये पता चलता है कि ये यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक, ये इधर वाला एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ठीक, और एरो क्या कर रहा है, ये इधर वाला साइड बढ़ता जा रहा है, ठीक, ये कुछ इस तरह से ही बन सकती है, ठीक, राइट साइड में ही बढ़ सकती है, ठीक, वहाँ मोस्टली कुछ इस तरह से इसका शेप बुक्स में, कॉपी बुक्स में बताया जाता है, ज़्यादातर बुक्स में, ठीक। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जो रे है, ठीक, वो एक पॉइंट पे तो रुकी हुई है और दूसरी तरफ ये इन्फाइनाइट रे में बढ़ रही है, ठीक। तो इससे एक कंक्लूजन हमें पता चलता है, रे एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, ठीक, रे की सिर्फ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। तो लिख देंगे इट एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इट हैज नो डेफिनाइट शेप, फिक्स शेप, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए एक तरफ तो रुका रहा है, ठीक, मगर एक तरफ से तो बढ़ रही है, तो इस तरह से हम क्या, इसका एक फिक्स वैल्यू हम पता कर पाएंगे, कभी नहीं पता कर पाएंगे। तो इससे हमें ये कंक्लूजन पता चलता है कि रे का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि ये एक साइड में तो रुका है मगर एक साइड में ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है, ये हमें दिख नहीं रहा है मगर ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये एरो हमें ये डिनोट करके बताता है कि ये इन्फाइनाइट वे में आगे बढ़ रही है लाइन, ठीक। तो इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ठीक, तो ये दूसरी क्वालिटी हो गई, ठीक। दूसरा क्या है, तीसरी पॉइंट ये है कि इट हैज वन एंड पॉइंट, ठीक। तो रे का देखिए एक एंड पॉइंट है और दूसरा नहीं है, लाइन में क्या था, दोनों नहीं थे एंड पॉइंट, मगर इसमें क्या था? हम देख रहे हैं कि एक एंड पॉइंट नहीं है, तो रे हैज, एक देख लेते हैं, रे हैज वन एंड पॉइंट, ठीक, इसका एक एंड पॉइंट हमें पता होता है, ठीक। अब देखिए, अब चौथी चीज ये है कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट बना लेते हैं, ठीक, और इसको हम नाम लेते हैं ए बी, इसको भी वही नाम देंगे हम ए बी, ठीक। और अगर इसको डिनोट करना हो तो हम क्या करते हैं, ए बी लिख देते हैं और कुछ इस तरह से डॉट बना देते हैं, ठीक। देखिए इसकी एक तरफ डायरेक्शन है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए बी क्या है, एक रे है, ठीक, ए बी क्या है, एक रे है। तो इस तरह से हमने रे के बारे में जाना कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं रे की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे लाइन सेगमेंट के बारे में देखते हैं, इसको नोट कर लिए दोस्तों, ठीक, ये काम आएगा आप लोग के। चलिए अब आगे हम लोग जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट तो थर्ड है हमारा, लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या है बेसिकली, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है लाइन सेगमेंट का, ठीक। तो मान लीजिए मैंने कोई एक लाइन खींची बिल्कुल सीधी सी, ठीक, और ये डॉट पॉइंट है, ठीक। डॉट पॉइंट का मतलब ये है कि रुकी हुई है और ये यहाँ पे रुकी है, ठीक, तो ये है, ठीक। ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं वो लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम मैंने अभी तक तो बहुत ही रेयर देखा है, ठीक, साइंस में तो रे दिख जाती है मगर लाइन हमने अभी तक नहीं देखा, 12th तक तो मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का हम मोस्टली 10th तक हम देखते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट का, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक। ये भी डॉट पॉइंट डेड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा और ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं करती है, ठीक। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ये तो एक्सटेंड नहीं करती है, ठीक, तो उसके बारे में लिखेंगे नहीं। तो इट हैज, सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, क्योंकि ये रुकी हुई है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होगी, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर की हो, ठीक, हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर की हो, मगर इसकी कोई एक पर्टिकुलर लेंथ होगी क्योंकि ये रुकी हुई है, ठीक, इसका एक दोनों के एंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हैज, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा,
इसकी क्या लेंथ जो है वो क्या है, फिक्स है, इट हैज फिक्स्ड लेंथ। सेकेंड पॉइंट दोस्तों देखिए क्या हो गया है, ठीक, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक, देखिए इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसके क्या है, दो एंड पॉइंट्स, देखिए ये हैं, अब दो एंड पॉइंट होंगे तो क्या इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, अब देखिए दोस्तों देखेंगे कि अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको नाम दिया ए, अब कुछ दूसरा ले लेते हैं, इसको पी क्यू दे देते हैं मान लीजिए, ठीक, ये हमने पी ले लिया और ये क्यू ले लिया, ठीक, पी क्यू करा है, तो हम पी लिखेंगे, क्यू को लिखेंगे और ये इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर डॉट रख देंगे, ठीक, तो इस तरह से हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पी क्यू इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक पी क्यू लेंथ है और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको आप रूलर से स्केल से मेजर कर सकते हैं, ठीक, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम आपको मेजर करना तो आता होगा कि कैसे रूलर से मेजर करें कोई भी लाइन को, ठीक, लाइन ही को मेजर कर सकते हैं क्योंकि लाइन सॉरी लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हैं क्योंकि लाइन की और रे की दोनों की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो हम जो ओनली चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो लाइन सेगमेंट है, तो ज़्यादातर हम लोग ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट के ही बारे में करते हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग लाइन बोल देते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा अगर मैं कहीं पे लाइन बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा मतलब क्या है, लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लाइन सेगमेंट के ही बारे में बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में हमें कोई फिक्स्ड वैल्यू की चाहिए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर्स की हम लोग को बनानी रहती है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू है, अगर किसी चीज़ की फिक्स्ड वैल्यू है तो हमें पता चल जाएगा वो क्या है, वो कोई लाइन सेगमेंट है। तो ये दोस्तों ये बेसिक इंट्रोडक्शन था लाइन का, रे का, सेगमेंट का और बेसिक ज्योमेट्री के बारे में, ठीक, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक, कुछ और लाइंस होती हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक, तो एक है आपका पैरेलल लाइंस, इसको इसी वीडियो में पढ़ा दें, देखिए कुछ बड़ी तो नहीं हो गई, हाँ ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, चलिए अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टेड लाइंस क्या होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ठीक, तो अगली वीडियो में हम लोग इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखिए मेरी अगली वीडियो को।